हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ दीप्ति सिंह, माया किचन में आपको स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ चिकन बिरयानी बना के दिखाने, जो बहुत आसानी से घर में बनते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगते हैं, और आप बनाने के बाद आपको रेस्टोरेंट जैसे टेस्ट आएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे बिरयानी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, चिकन दम बिरयानी के लिए चाहिए 1 किलो चिकन, जिसको मैं गर्म पानी में वॉश कर रखी हूँ, 1 किलो बिरयानी के चावल, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो रखी हूँ, 4 ऑनियन, जिसको मैंने बारीक कटिंग करके रखी हूँ, इसको मैंने 3 हिस्सा करूँगी मैंने बिरिस्ता के लिए इस्तेमाल, और थोड़ी सी मैंने चिकन में फ्राई करने के डालूँगी, और 2 टमाटर जिसको मैं कटिंग करके रखी हूँ, 10 पीस लहसुन जिसको मैं छील के रखी हूँ, 2 ऑनियन जिसको मैं मोटे कटिंग करके रखी हूँ मसाला के लिए, और मैंने अदरक के टुकड़ा ली हूँ 4-5 पीस, 6 पीस हरी मिर्च, और आपको चाहिए 7 अंडे जिसको मैं उबाल के रखी हूँ, और मसाला के लिए चाहिए आपको 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, 2 टुकड़ा दालचीनी जिसको मैं छोटे टुकड़े में कर रखी हूँ, 4-5 पीस लौंग, कुछ लाल मिर्च, लाल मिर्च आपको स्वाद के अनुसार देना जैसे आप मिर्च खाते हो, 4 इलायची, 3 तेज़पत्ता, और चाहिए आपको 2 टेबल स्पून देसी घी, 150 ग्राम आपको दही, ऑयल, पानी, और चाहिए आपको 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून नमक, नमक आप स्वाद अनुसार देना, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून MDH के किचन किंग मसाला, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और चाहिए 1 कटोरी दूध। साथ में मैंने 1 चुटकी कलर डालेंगे, बिरयानी को कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। अब मैंने चूल्हे में कढ़ाई चढ़ा दिए, और इधर बिरयानी के चावल को तैयार करने के लिए गर्म पानी चढ़ा दिए। जो बिरयानी के पानी मैंने गर्म पानी चढ़ाए हूँ चावल के लिए, इसमें मैंने 3-4 लौंग डाल दिए, 2 इलायची डाल दिए, 2 टुकड़ा दालचीनी डाल दिए। मैं जा रही हूँ चावल को इसमें डालने। अब चावल को पकने के लिए मैंने इसको ढक देंगे। पहले मैंने जो अंडा रखी हूँ उबला हुआ, उसको मैंने फ्राई कर लेंगे। इसको मैं हल्का सा हल्दी डाल दूंगी, तो इसको कलर अच्छा लगेगा देखने में। अंडा मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। अंडा निकालने के बाद जो ऑयल था उसमें मैंने मसाला को भून लेंगे, ऑनियन, लहसुन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, लाल मिर्च, ये मैं सारे मसाले को हल्का सा भून लिए। अब इसको मैंने मिक्सी के बाउल में डाल के पेस्ट बना लेंगे। अब इसको मैंने 10 मिनट ठंडा होने देंगे, फिर मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब इसमें मैंने ऑयल डालेंगे ज़्यादा, ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब इसमें मैंने बिरिस्ता ये प्याज भून लेते हैं। आप देख सकते हो बिरिस्ता मेरा तैयार हो गया। अब मैं इसको छानने में निकाल लेंगे। तो बिरिस्ता के ऑयल मेरा बचा हुआ है, इसमें मैंने 2 तेज़पत्ता और ये थोड़ी सी प्याज रखे थे वो डाल दिए। ये प्याज मैंने चिकन के लिए भून रही हूँ, हल्का सा पिंक शेड में हो गए हैं। अब मैं इसमें चिकन डाल देंगे। अब इसमें मैंने हल्का सा हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने में से क्या होता है, आपको कलर अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। जब तक चिकन मेरा भून रहा है तब तक मैंने क्या करेंगे, मसाला को ग्राइंड कर लेते हैं।
तब तक मैंने ये मसाला ग्राइंड कर लिए। मेरा ये चिकन बन गया है, तब तक मैंने क्या करना है, चावल को आप देख सकते हो चावल मेरा तैयार हो गया। इसको ज़्यादा पकाना मत, हल्का सा शक्ति रखना, क्योंकि इसको बिरयानी के साथ भी पकानी है चिकन के साथ। अब मैं जा रही हूँ इसको छन्नी में छानने। अब चावल को मैंने थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब चिकन मेरा भून गया है, जो मसाला पेस्ट किया वो डालेंगे। अब इसमें मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और चीनी, अब मैं इसको ढक देंगे, ये पक जाएगा। कम से कम 20 मिनट मैंने पका लिया। आप देख सकते हो चिकन मेरा कितना अच्छा हो गया। अब इसमें मैंने नमक डाल देंगे। नमक इसलिए पहले नहीं डालते क्योंकि मसाला के पानी भी निकलते हैं, फिर इससे उतना अच्छा नहीं टेस्ट लगते हैं। अब मैं MDH के किचन किंग मसाला डाल दिए। अब इसमें मैंने दही डाल रही हूँ। अब इसको मैंने 15 मिनट के लिए ढक देंगे, क्योंकि चिकन मेरा बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। 15 मिनट मेरे हो चुके हैं, अब देख सकते हो चिकन मेरा कितना अच्छा पक गया। और इसको मैंने फिर दोबारा 5 मिनट के लिए ढक देंगे। जब तक मैं बिरयानी के लिए इसको मैं तैयार कर लेती हूँ। पतीले में मैंने इस तरीके से थोड़ा सा घी लगा लेंगे, ये चिपके ना बिरयानी। और 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको क्या करेंगे, धीम आंच करके धीरे धीरे आप बिरयानी के तैयार कर लेंगे। पतीले में मैंने ऐसे करके चिकन के पीसेस और मसाला को डाल दिए। एक लेयर मैंने चिकन डाल दियो। अब मैं क्या करेंगे, इसको ऊपर चावल को ऐसे बिछा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, मैंने 2 अंडा डाल देंगे। दोबारा फिर एक लेयर चिकन डाल देंगे, थोड़ा सा बिरिस्ता भी इसको ऊपर ऐसे सजा के डाल देंगे। ठीक है, ऐसे कर कर के आपने स्टेप बाय स्टेप चावल को डालते जाना। तैयार हो गया, मैं 2 अंडा और डालूंगी। और क्या करूंगी, जो आपका बिरयानी मसाला रखे थे उसको भी हल्का सा ऐसे करके डाल देंगे, थोड़ा सा बिरिस्ता और डाल देंगे। ऊपर एक लेयर और चिकन डाल देंगे। अब इसको मैंने क्या करना है, इस तरीके से जो बचे हुए चिकन सारे डाल देंगे, जो बाकी बचे हुए चावल उसको डाल देंगे। जितने मेरे बिरिस्ता है उसको सबको मैं इस तरीके से सजा दूंगी। ये हम बिरयानी मसाला जो लास्ट में बचा के रखे थे इसको मैं इस तरीके से पूरे में डाल दूंगी। जो घी रखे थे उसको मैं इसमें मैंने
एक चुटकी कलर ली। कलर को मैंने क्या करेंगे, दूध के साथ मिक्स करेंगे। अब मैं इसको धीरे धीरे इसके ऊपर ऐसे करके डाल दूंगी। देखते हैं, मैंने कलर घी सारे सामग्री दे के अब इसको ऐसे करके बंद कर देंगे। प्लेट को ऐसे रख के थोड़ी सी मैंने आटा गूंद रखी हूँ, उसको मैंने क्या करेंगे ऐसे करके इसको मुंह को बंद कर देंगे जो इसको हवा ना पास हो पाए। और देख सकते हो कितने अच्छे इसको मैंने चारों तरफ से आटा से बंद कर दिया। अब इसको मैंने 15 मिनट के लिए धीम आंच पे चढ़ा देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, मैं जा रही हूँ गैस को बंद करके बिरयानी को सर्व करने। देख सकते हो बिरयानी बनके मेरा तैयार है, चिकन दम बिरयानी बनके तैयार हो गया। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, माया किचन को सब्सक्राइब करने भूलना मत।